Through. आज हमारे बीच में प्रोफेसर रीना अग्रवाल, शिक्षा संकाय लखनऊ विश्वविद्यालय आज उपस्थित है। वो जो है आप लोगों से आज सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पे विस्तृत जो है चर्चा परिचर्चा करेंगी। तो मैं जो है अब समय न लेते हुए मैं मैम को जो है अनुरोध कर रहा हूँ कि आप जो है हमारे जो डीएलएड के जो नव नियुक्त प्रवक्ता हैं उनको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा और उसके क्रियान्वयन की प्रणाली से अवगत कराने का कोशिश करें। प्रोफेसर रीना अग्रवाल। पीपीटी खुला हुआ है क्या? ये पीपीटी कैसे कंट्रोल होगा? मैम बातचीत करना शुरू कीजिए। और ये होता रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो आपकी दिखा रही है अभी, तब तक फिर वो प्रेजेंटेशन आ जाएगा। सभी को मेरा प्रणाम है। ये कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन ये डाइट के लेक्चरर्स के लिए कोई नया शब्द नहीं है। आप सब लोग जो बीएड एमएड या पीएचडी करके यहाँ पे आए हैं तो ये सब पढ़ के आए हैं। तो आज के इस चर्चा में हम लोग बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ना लेकर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेंगे और आपके जो पूर्व अनुभव हैं उन्हीं को हम लोग एक नए पर्सपेक्टिव में, एक नए परिदृश्य में देखने की कोशिश करेंगे। फिर हमें इससे नेक्स्ट कैसे चाहिए? यहाँ जैसे हम लोग तो सोच हाँ आगे कैसे करेंगे, स्लाइड आगे या पीछे? हम लोग ये इससे नेक्स्ट होगा और इससे पीछे होगा। आज का विषय है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये देखिए इसमें तीन प्रमुख शब्द हैं, कंटिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव और इवैल्यूएशन। अगर इवैल्यूएशन तो तीनों शब्दों को अगर हम लोग समझ लेंगे तो इनके शब्द इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम शब्द लेते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्यों ले रहे हैं सबसे पहले शब्द? क्योंकि इवैल्यूएशन शब्द में कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इनबिल्ट है। जैसे हम कहते हैं विंडोज 10 में बहुत सारे फीचर्स इनबिल्ट होते हैं, ऐसे ही इवैल्यूएशन जो शब्द है उसमें बहुत कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनबिल्ट हैं। और अगर इवैल्यूएशन शब्द को हम लोग समझ लें तो एक तरह से समझिए कि हमने कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को समझ लिया है। तो इवैल्यूएशन में देखिए, एक पहले हम आपको एक किस्सा बताते हैं। एक बार हम इनविजिलेशन ड्यूटी कर रहे थे, तो बहुत साल पहले की बात है। तो इनविजिलेशन ड्यूटी के दौरान मैंने पाया कि एक छात्र नकल कर रहा है, तो मैंने उसे रोका कि नकल नहीं करना है। तो उसने कहा मैम प्लीज नकल करने दीजिए। 2-3 बार ऐसे हुआ और उसके बाद जब मैंने उसे रोका पूरी तरह तो उसने थोड़ा जोर से एग्रेसिव होकर कहा मैम प्लीज मुझे नकल करने दीजिए, आज मैं घर में प्रॉमिस करके आया हूँ कि इस बार मैं पास जरूर होके दिखाऊंगा। अब आप उस बच्चे की मनोदशा समझिए, डिग्री लेवल का बच्चा, उसकी मनोदशा समझिए। तो जो पास और फेल का जो एक भय बच्चे के अंदर होता है कि पास होना जरूरी है,
फेल ना हो, लगातार फेल ना हो। जब हम पास फेल के टर्म्स में बच्चों को दिखाते हैं, दर्शाते हैं उनकी परफॉर्मेंस को, तो उसको हम कह देते हैं मेजरमेंट। यानी अभी हम इवैल्यूएशन की स्पिरिट पे नहीं आए हैं, तभी बच्चे पास या फेल की का भय बच्चों में बना रहता है। अब एक एग्जाम्पल लीजिए कि एक क्लास है जिसमें 40 बच्चे हैं, उन 40 बच्चों में 5 बच्चों के नंबर जो हैं वो 90% से ऊपर हैं साइंस में। बच्चों के नंबर कुछ इस तरह हैं, एक बच्चे का 92% है, दूसरे का 94% है, तीसरे का 94.6% है, चौथे का 97% है और पांचवे का 98% है। ठीक है, तो हम ये जब हम ये कह रहे हैं 92, 94, तो हम मेजरमेंट कर रहे हैं। और जब हम ये कहते हैं कि 40 बच्चों की क्लास में 5 बच्चे साइंस में अच्छे हैं, तो ये हम बच्चों की को क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, यानी क्वालिटेटिव टर्म्स में बच्चों की परफॉर्मेंस को दर्शा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपके स्कूल में प्रिंसिपल के पास एक इंफॉर्मेशन आती है कि इंटर स्कूल साइंस क्विज है और आपको अपने स्कूल के 2 बच्चों को उसमें भेजना है पार्टिसिपेट करने के लिए, तो अब आपकी प्रिंसिपल क्या करेंगी? क्या ब्लाइंडली जिनके 97 और 98% साइंस में है उनको भेज देंगी? कभी नहीं, ऐसा नहीं करेंगी ना। यानी अब प्रिंसिपल क्या देखेंगी कि बच्चों के साइंस में नंबर के अलावा और बहुत सारी बातें इन सब बच्चों में देखेंगी, जैसे बच्चों का प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, कौन बच्चे प्रेजेंटेबल हैं, किनका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा अच्छा है, किनकी कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा अच्छी है, और ये और भी बहुत सारी बातें। और ये सारी बातें जब प्रिंसिपल कर रही हैं इन बच्चों के बारे में, तो क्या कर रही हैं? इवैल्यूएशन कर रही हैं, यानी वैल्यू, उनका वर्थ, उनकी वैल्यू को जो है वो देखने की कोशिश कर रही हैं। तो ऐसा जब वो कर रही हैं, और हो सकता है कि वो 92% और 94.6% वाले बच्चे को क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजे और 97 और 98% वाले बच्चे को क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए ना भेजे। तो इवैल्यूएशन में अपने आप हम देखते हैं कि हमें केवल जो अंक प्राप्त किए हैं, एकेडमिक अचीवमेंट जो बच्चों का है, शैक्षिक उपलब्धि जो है, केवल उस पर फोकस ना करके हम और बहुत सारी चीजों पर के आधार पे बच्चों की वर्थ को, उनकी वैल्यू को आंकने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ ये देखिए कि आजकल जो सबसे पहले जो मॉडर्न इवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट है राल्फ टायलर का दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको इस तरह से डिफाइन किया है कि इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन अचीव्ड एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो इवैल्यूएशन जब हम करते हैं एजुकेशन सिस्टम में बच्चों की शिक्षा को लेके, तो हम 2 चीजें ध्यान देते हैं कि जो हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, उनको हमने किस सीमा तक प्राप्त किया है, और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस गया, यानी क्लास में जो पढ़ाया गया है, जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बच्चों को प्रोवाइड की गई हैं, वो कहाँ तक इफेक्टिव हैं। अब आप ये देखिए कि ये एजुकेशन का प्रोसेस है और इससे आप सब लोग बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लास में पढ़ाने से पहले ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमिन करते हैं। ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर, जो भी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हमने डिटरमिन किए उसके आधार पर टीचिंग करते हैं और बच्चों को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद हम बच्चों का इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, और इवैल्यूएशन करने के बाद जहाँ कमी रह जाती है बच्चों की, तो उसके आधार पर हम फिर से, यानी हम डायग्नोज करते हैं और उसके आधार पर हम फिर से ऑब्जेक्टिव्स को बनाते हैं, फिर से री ऑब्जेक्टिव्स, यानी ऑब्जेक्टिव्स को रीसेट करते हैं और फिर से हम उसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में लाते हैं, यानी टीचिंग करते हैं। इसको रेमिडियल टीचिंग भी कह सकते हैं,
और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बच्चों को नई प्रोवाइड करते हैं और फिर से इवेल्युएशन करते हैं। ठीक है, अब आज के परिप्रेक्ष्य में देखें कि हम ये कह रहे हैं, हम बार बार इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि अभी भी हम मेजरमेंट पे स्थित हैं, हम कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन नहीं कर रहे हैं। अब क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, जब हम ऑब्जेक्टिव्स डिटरमिन करते हैं तो ये तीनों चीजें, ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज और इवेल्युएशन, ये हमारे एक सीध में नहीं होते हैं। प्रैक्टिकली हम उद्देश्य बनाकर पढ़ाते ही नहीं हैं, ठीक है, हम केवल क्लास में जाकर पढ़ा देते हैं और पढ़ाने के बाद हम बच्चों का मूल्यांकन कर लेते हैं। तो हमारे पढ़ाने में और मूल्यांकन में अंतर होता है। हम पढ़ाते कुछ हैं या किसी तरह से पढ़ाते, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज कुछ और होती हैं और इवेल्युएशन करने वाले जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो कुछ और होते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और इवेल्युएशन एक सीध में नहीं होते हैं, वो एक लाइन में नहीं होते हैं। अगर एक लाइन में होंगे, यानी जो हमने ऑब्जेक्टिव्स डिटरमिन किए हैं उसी को ध्यान में रखते हुए हम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें बच्चों को, और उसी को ध्यान में रखते हुए, ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पत्र बनाएं, तो हम कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जो हम कहते हैं कि एक बात, हम इवेल्युएशन में क्या करते हैं, जैसे एक आया कि यूपी बोर्ड में इतने परसेंट बच्चे पास हुए, ये एक तरह से हमारे सिस्टम का इवेल्युएशन है। हिंदी में बच्चों का अचीवमेंट कंपैरेटिवली खराब आया, ठीक है, तो ये जो खराब आया ये हमको डायग्नोज करने के लिए प्रेरित कर रहा है। अगर हम इवेल्युएशन, अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम छोड़ देते हैं कि ठीक है खराब आया कोई बात नहीं, अब यहाँ पर हमने स्टॉप कर दिया। बट इवेल्युएशन इज नॉट द एंड ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस, इट इज अ स्टेप ऑफ एजुकेशन प्रोसेस, दैट इज वाई इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, तो अब हमें ये डायग्नोज करना है कि हिंदी में बच्चों में कहाँ कमी रह गई, टीचर यानी हमारे जो हिंदी पढ़ाने के उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वहाँ को रिफ्रेम करने की जरूरत है, या हिंदी को पढ़ाने के तरीके में, हिंदी में लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के तरीके में गलती है। तो ये चीजें हमें ध्यान में देनी होती हैं। हम जो देखिए, बच्चों को लेसन प्लान बनाना सिखाते हैं, लेसन प्लान में हम ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित करना सिखाते हैं और ये बिहेवियरल टर्म्स में होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। इसके लिए हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी का सहारा लेते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स बिहेवियरल टर्म्स में डिफाइन करते हैं, जैसे बच्चे, छात्र, हमारे पढ़ाने के बाद छात्र ये कर पाएंगे, संज्ञा की परिभाषा बता पाएंगे, ठीक है, इस तरह से हम लोग बताते हैं। और उन ऑब्जेक्टिव्स के टर्म्स में ही हम लोग टीचिंग लर्निंग, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बच्चों को प्रोवाइड करते हैं और उसी के आधार पर उनका इवेल्युएशन करते हैं। अब ये जो प्रक्रिया बार बार चल रही है, एजुकेशन प्रोसेस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, दैट इज वाई इवेल्युएशन इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यानी ये ट्राइंगल आपको ये बता रहा है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में कि इवेल्युएशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इवेल्युएशन यानी पास फेल सही गलत से खत्म नहीं कर देना है, लेकिन आपको संग में ये भी ध्यान रखना है कि एक ही टॉपिक पे आपको नहीं टिके रहना है। आप कहेंगे मैम डायग्नोज करेंगे फिर ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, तो हम आगे के टॉपिक्स कैसे पढ़ाएंगे? अब आप ध्यान दीजिए कि अपने विषय में जो कोर है, हिंदी में जो कोर चीजें हैं, इंग्लिश में, साइंस में, मैथ्स में, जो उस सब्जेक्ट के कोर कंटेंट है, जो बेस तैयार करते हैं बच्चों का, उन चीजों पर हमें फोकस करना, वो सब बच्चों को आ जाए जिससे वो फर्दर नॉलेज गेन कर पाए, आगे ये दिक्कत ना हो कि इनको प्रीवियस नॉलेज नहीं है। बाकी हमें आगे बढ़ते जाना है, अन्य टॉपिक्स के साथ हमें आगे बढ़ते जाना है। तो ये जो ट्राइंगल है ये आपको सिर्फ ये बता रहा है कि इवेल्युएशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इवेल्युएशन करना है, ऑब्जेक्टिव्स फिर से बनाने हैं, फिर से लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है,
फिर से इवैल्यूएशन करना है, इसको खत्म नहीं कर देना है। फिर से जो इवैल्यूएशन करेंगे, यानी हम धीरे धीरे बच्चों की कमियों को डायग्नोज करते जाएंगे और उसके आधार पर, और ध्यान देने की बात है कि ये तीनों चीजें एक सीध में होनी चाहिए। बहुत आसान तरीका है इनको एक सीध में लाने का। लेसन प्लान बनाते समय आपको बताया जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स आप बनाएंगे, उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखे ही कंटेंट बनाएंगे, पढ़ाएंगे, और उनको ही ध्यान में रखते हुए आप कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन या रिकैपिचुलेशन क्वेश्चन लेसन प्लान में बनाते हैं। तो इनको एक सीध में रखना आपको लेसन प्लान के दौरान सिखाया जाता है, बहुत आसान तरीका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो हम ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी का इस्तेमाल करते हैं। इंस्ट्रक्शनल ये आपको बताया गया है, लेकिन आप इस पूरी टैक्सोनॉमी को ध्यान से पढ़ लीजिए, पहले भी आपने पढ़ा है। आप ये देखें कि हम इसमें कितना इस्तेमाल करते हैं। हम केवल कॉग्निटिव आस्पेक्ट में जाते हैं, और कॉग्निटिव में भी हम क्या करते हैं, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन, बस इन तीन का इस्तेमाल करने के बाद जो है हम खत्म कर देते हैं। यानी जब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हम बनाते हैं बच्चों को पढ़ाने के, तो हमारा पूरे एजुकेशन सिस्टम यही है कि बच्चों को नॉलेज हो जाए, कॉम्प्रिहेंशन बोध समझ आ जाए, और उस नॉलेज का वो अप्लाई कर पाए। बाकी चीजें हमारी बाकी चीजें छूट गई। यानी कॉग्निटिव आस्पेक्ट में भी हमने आधा ही आस्पेक्ट कवर किया, एनालिसिस, इवेल्युएशन, क्रिएटिविटी, फिर अफेक्टिव डोमेन में रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, करेक्टराइजेशन, साइकोमोटर में परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, अडाप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब छूट गया। ये हमें ब्लूम की टैक्सोनॉमी हमें क्या हिंट दे रही है, अगर हम इसका पूरा इस्तेमाल करें अपने विषय को पढ़ाने में, तो हम क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो हम कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कर रहे हैं, यानी हमें इन सारे एस्पेक्ट्स को अपने विषय में कहीं ना कहीं डाल देने हैं। आप देखें कि हिंदी में पाठ आप पढ़ाते हैं तो पाठ में बहुत सारा अफेक्टिव डोमेन होता है। हार की जीत कहानी आपने पढ़ाई होगी, बच्चों को पढ़ी होगी, तो आप देखिए उसमें कितना अफेक्टिव डोमेन है। साइकोमोटर डोमेन हिंदी में क्या होता है, लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सब साइकोमोटर डोमेन होता है हिंदी का, ये भी आजकल के बच्चों का वीक होता है। या और हिंदी के अलावा और भी विषय लें, यानी हर विषय में कुछ ना कुछ कॉग्निटिव आस्पेक्ट होता है, कुछ अफेक्टिव डोमेन बच्चे का होता है, और कुछ साइकोमोटर डोमेन होता है। और इवैल्यूएशन को कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में इन तीनों को इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। केवल नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन पर सीमित नहीं रहना पड़ेगा, सबका इस्तेमाल करेंगे तब हम कहेंगे कि हमने कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन किया। और इसको आप आसानी से कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आपको जो पढ़ाने के लिए विषय दिया जाता है, उस विषय के पूरे पाठ्यक्रम को आप बांट लीजिए और ध्यान से देखिए शुरू में ही, सेशन के शुरू में ही, कि इसमें अफेक्टिव डोमेन वाले ऑब्जेक्टिव्स हम कहाँ बना सकते हैं, किन किन टॉपिक्स में बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। साइकोमोटर वाले व्याकरण में बहुत ज़्यादा होते हैं, कैसे बना सकते हैं, कहाँ बना सकते हैं, पहले से डिसाइड कर लीजिए और उस हिसाब से आगे आप बढ़ते चले जाएंगे, तो आसानी से आप कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की तरफ बढ़ पाएंगे। अब इवैल्यूएशन के बारे में कुछ खास बातें जो हैं लिखी हुई हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा। आपको पता हो तब भी ध्यान से पढ़िए और ये समझने की कोशिश करिए। इवैल्यूएशन एनकंपासेस टेस्ट एंड मेजरमेंट बट आल्सो गोज बियॉन्ड दैट। इवैल्यूएशन डिपेंड्स ऑन मेजरमेंट बट इज नॉट सिनोनिमस विद इट। इवैल्यूएशन इज इंटीग्रेटेड विद द एंटायर टास्क ऑफ एजुकेशन। Measurement is only a tool to be used in evaluation. By itself, it is meaningless, but without it, evaluation is likely to be of little significance. ठीक है, यानी ये चारों बातें हमें कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि evaluation करने से पहले measurement करना जरूरी है। यानी measurement के बिना आप कहेंगे कि education system में number पे इतना focus क्यों है, हम परीक्षा क्यों लेते हैं बच्चों की, क्योंकि मेजरमेंट के बिना इवैल्यूएशन अनसाइंटिफिक हो जाता है। इवैल्यूएशन को साइंटिफिक बनाने के लिए मेजरमेंट करना जरूरी है।
जैसे मान लीजिए कि टीचर बिना कोई टेस्ट लिए, जब टीचर क्लास में रोज रोज पढ़ाती है, कोई भी विषय की टीचर है, रोज रोज बच्चों को पढ़ाती है, तो बिना कोई टेस्ट लिए, बिना किसी आधार पर, सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर बच्चों को लेबल करती रहती, कमेंट करती रहती है, ब्राइट, डल, स्मार्ट, डफर, ठीक है। तो इन शब्दों का अपने आप में कोई महत्व नहीं है, ये टीचर की पर्सनल बायसनेस है, ये अनसाइंटिफिक टर्म है बच्चों को इवैल्यूएट करने के। तो ऐसा टीचर को नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि इवैल्यूएशन को साइंटिफिक बनाने के लिए, ज्यादा रिलायबल बनाने के लिए मेजरमेंट करना जरूरी होता है। इसलिए अंकों का भी अपनी जगह महत्व है और उस अंकों के आधार पर ही हम बच्चों को इवैल्यूएट करें। जैसे हमने कोई इंटेलिजेंस टेस्ट अप्लाई कर लिया बच्चे के ऊपर और उसके आधार पर उसका जो भी आईक्यू या परसेंटाइल आ रहा है उसके आधार पर हम बच्चे को ब्राइट कह सकते हैं, ठीक है। बच्चों के अक्सर ये देखा गया है कि टीचर्स, जो क्लास टीचर्स होते हैं, वो बच्चों के क्लास में स्टूडेंट्स के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं, ये बहुत अच्छा बच्चा है, इसके इतने परसेंट नंबर आएंगे। और साइकोलॉजिस्ट लोग ने ये प्रूफ किया है कि जो टीचर्स के प्रेडिक्शन होते हैं वो अक्सर गलत हो जाते हैं, ज्यादातर गलत होते हैं, क्योंकि उन प्रेडिक्शंस का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होता है। तो टीचर्स यानी जिस बच्चे के बारे में वो प्रेडिक्शन करते हैं उस बच्चे के नंबर भले ही कम ना हो लेकिन अन्य बच्चों के नंबर उस बच्चे से ज्यादा आ जाते हैं। तो साइंटिफिक बनाने के लिए इवैल्यूएशन को मेजरमेंट करना जरूरी होता है, ये भी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का एक आस्पेक्ट होता है। अब आप एक बात देखिए कि मेजरमेंट और हम इवैल्यूएशन को कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये सारे डिफरेंस आपको पता है लेकिन एक कहानी आपको बता रहे हैं। एक बच्चा है, उसका डार्क कॉम्प्लेक्शन, और एक मेले में जाता है, मेले में एक गुब्बारे वाला है जो गुब्बारे बेच रहा है, उसके पास बहुत रंग बिरंगे गुब्बारे हैं। तो वो क्या करता है, बेचने का उसका तरीका है कि एक गुब्बारा उनमें से उड़ा देता है तो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं और उसके पास खरीदने आते हैं। वो डार्क कॉम्प्लेक्शन का बच्चा बहुत देर से ये सब देख रहा होता है, बड़ी हिम्मत जुटा के वो गुब्बारे वाले के पास जाता है और कहता है, बाबा ये काला वाला गुब्बारा भी उड़ेगा? तो वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, काला वाला गुब्बारा भी उड़ेगा। अब आप इस बच्चे ने ये जो प्रश्न किया कि काला वाला गुब्बारा भी उड़ेगा क्या, अब आप इसके पीछे उस बच्चे की कॉम्प्लेक्शन है और उसको उसके पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, आस पड़ोस ने, उसके फ्रेंड्स ने हमेशा उसके उस रंग से उसको इवैल्यूएट किया है, यानी मेजर, ये मेजरमेंट हो रहा है, फोकस ऑन सिंगल एस्पेक्ट ऑफ द लर्निंग मेजरमेंट होता है, जबकि इवैल्यूएशन में फोकस ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लर्निंग। डार्क कॉम्प्लेक्शन के अलावा भी उस बच्चे के पास बहुत सारी पॉजिटिव क्वालिटीज हो सकती है। डार्क कॉम्प्लेक्शन अपने आप में कोई निगेटिव क्वालिटी नहीं है। एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बच्चे का इवैल्यूएशन कभी भी इननेट क्वालिटीज के आधार पर ना करें, एक्वायर्ड क्वालिटीज के आधार पर करना है। जो डार्क कॉम्प्लेक्शन है वो इननेट क्वालिटी है, वो ईश्वर की देन, वो बच्चे ने अर्जित नहीं की है। और इवैल्यूएशन हमेशा किनका किया जाता है, जो हम बच्चे को सिखाते हैं और बच्चे अर्जित करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक्वायर्ड क्वालिटीज पे फोकस करना है इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। दूसरी बात देखिए, जो मेजरमेंट है उसमें ऑब्जेक्टिव होके चलते हैं हम, जबकि इवैल्यूएशन जो है उसमें सब्जेक्टिव, या सब्जेक्टिव का मतलब है पर्सनल एक्सपीरियंसेस, पर्सनल फीलिंग्स ऑफ द लर्नर। यानी जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ती है कि बच्चे के, जो हमारा लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्लास में इंग्लिश की टीचर है और उसे क्लास में 20 बच्चे हैं। अब 20 में से 12 बच्चे जो हैं उस टीचर को पसंद करते हैं और 8 बच्चे उस टीचर को पसंद नहीं करते हैं। जो 12 बच्चे उस टीचर को पसंद करते हैं उनका इंग्लिश में एकेडमिक अचीवमेंट अच्छा होगा, और जो 8 बच्चे
टीचर को पसंद नहीं करते किसी भी कारण से, उनका एकेडमिक अचीवमेंट इंग्लिश में खराब होगा। तो देखिए, बच्चे का एकेडमिक अचीवमेंट अच्छा करने के लिए इंग्लिश में हमें बच्चों के इस पर्सनल एक्सपीरियंस को भी ध्यान में देना होगा कि इनका अब हमें निगेटिव एटीट्यूड से पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करना है, तब हम इवैल्यूएशन करें। यानी लर्निंग में या इवैल्यूएशन में नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल्स, वही हमने बताया कि आपको तीनों डोमेन्स को कवर करना है, और उन तीनों डोमेन्स को कवर करने के लिए हमें लर्नर्स के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उनको ध्यान में रखे बिना हम कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, आप मेजरमेंट में फेल कहते हैं लेकिन इवैल्यूएशन में फेल नहीं कह सकते, इसी को हम कहते हैं एलिजिबल फॉर इम्प्रूवमेंट। यानी बच्चे को इम्प्रूव करने के चांस अभी हैं, दिए जाते हैं और इवैल्यूएशन में दिए भी जाते हैं और बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। एक हमें याद है कि जब हम लोग बीएड करते थे, अब पता नहीं कोर्स में होता है कि नहीं, एक हम लोगों ने पढ़ा था डाल्टन प्लान। डाल्टन प्लान की जो खूबी हम लोगों को लगती थी उस जमाने में, उसमें ये होता था कि क्लासरूम नहीं होते थे, उसमें लैब्स होती थी, हिस्ट्री की लैब, ज्योग्राफी की लैब, साइंस लैब, मैथ्स लैब, और बच्चे लैब्स में पढ़ते थे। जिस बच्चे का मन जितनी दे किसी एक लैब में पढ़ने का पढ़ सकता था, कोई टाइम टेबल टाइम पीरियड नहीं होता था। तो एक ज्योग्राफी की लैब में सिक्स क्लास का बच्चा भी होता था, एट क्लास का बच्चा भी होता था और टेंथ क्लास का भी बच्चा होता था। यानी बच्चे को पास फेल नहीं करते थे, बच्चे को कहते थे कि ये ज्योग्राफी में एट क्लास में है, साइंस में नाइन्थ क्लास में है और मैथ्स में टेंथ क्लास में है और इंग्लिश में मे बी वो सिक्स क्लास में। तो ऐसे कोई कंपार्टमेंट नहीं होते थे, आप उसमें देखिए कि कितना कंफर्टेबल। वही हम कह रहे हैं कि बच्चे में अभी भी इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, और वो इसलिए हम उसको कह देते हैं फेल को कि एलिजिबल फॉर इम्प्रूवमेंट इवेल्यूएट। जब हम कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन करते हैं, हम कभी भी बच्चे का रास्ता रोकते नहीं। नेक्स्ट आ जाता है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। अब आप यहाँ पे देखिए, कंटिन्यूस इवेल्यूएशन, हमने कहा था कि इवेल्यूएशन के कंसेप्ट में या उसकी करेक्टरिस्टिक्स में ये कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इनबिल्ट है। कंटिन्यूस इवेल्यूएशन वीकली बेसिस पे हो सकता है, हमारा डेली बेसिस पे भी होता है, हम क्लास में रोज जाते हैं, हम नंबर ना दें कुछ ना दें, लेकिन हमारे दिमाग में बच्चे की छाप जो बन जाती है रोज रोज पढ़ाने से, वो कंटिन्यूस इवेल्यूएशन हो रहा है। हम कोई ना कोई धारणा तो बच्चे के बारे में अपने मन में बना रहे हैं ना रोज पढ़ाने से, चाहे हम टेस्ट लें या ना लें, और उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो, उसके बिहेवियर को, उसके डिसिप्लिन को, उसकी ऑनेस्टी को, उसकी ट्रस्टवर्दीनेस को, कितनी चीजों को हम माप लेते हैं। तो ये कंटिन्यूस इवेल्यूएशन चलता है, जबकि मेजरमेंट में केवल हम जो एग्जाम लेते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम या एनुअल एग्जाम, तो डिस्क्रीट हो जाता है। नेक्स्ट हो जाता है कि इवेल्यूएशन कॉम्प्रिहेंसिव होता है सारे डायमेंशंस को, यानी हम कह रहे हैं कि इसमें स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक, एकेडमिक एंड को एकेडमिक, और यहाँ पर हम कह रहे हैं यानी कॉग्निटिव रिस्ट्रिक्टिव है, मेजरमेंट केवल कॉग्निटिव तक रिस्ट्रिक्टेड है, ये हम आपको दिखा चुके हैं। और मेजरमेंट में कॉग्निटिव के भी केवल हम तीन एस्पेक्ट्स को लेके चलते हैं, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन, जबकि इवेल्यूएशन में हम अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, इन सब को लेकर चलते हैं। तो अब अगर हम मेजरमेंट वाले एस्पेक्ट्स छुपा दें और इवेल्यूएशन वाले एस्पेक्ट्स पे आप फोकस करिए, तो आपको समझ में आएगा कि इवेल्यूएशन अपने आप में कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव होता है। अब इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हमने ये कुछ केसेस उठाए हैं कि हम क्यों, हम पे इतना फोकस है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी है कि अब कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन ही चलेगा। आपके दिमाग में आता होगा जब हम पढ़ते थे बहुत साल पहले तो मेजरमेंट ही होता था, क्यों कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन पर ही फोकस किया जाए, क्यों हम इसको एडॉप्ट करें, किसी भी काम को हम ब्लाइंडली क्यों एडॉप्ट कर लें। अब आप ये देखिए कि ये केस वन है, A student gets 500 out of 500 marks. ऐसा केस आया भी है इस बार बोर्ड के एग्जाम में कि 500 में 500 जब हम बच्चे को अंक दे देते हैं तो ये कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन नहीं है, ये मेजरमेंट है। तभी हम बार बार कह रहे हैं कि अभी भी हम मेजरमेंट को अडॉप्ट करे हुए हैं।
और इस नंबर को पाने वाले बच्चे के बारे में मिसकंसेप्शन क्या होता है कि ही और शी इज परफेक्ट, देयर इज नो चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी वो बच्चा परफेक्ट है और उसमें अब कोई भी चांस इम्प्रूवमेंट का नहीं है। ऐसा क्या हो सकता है? कोई भी व्यक्ति पूरा परफेक्ट नहीं होता। एजुकेशन का कहते हैं कि ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, और डेवलपमेंट टिल डेथ नहीं खत्म होता। किसी बच्चे को अगर हम ये लेबलिंग कर दे रहे हैं कि यू आर परफेक्ट, तो वो खुद में अपने आप को आगे डेवलप करने की अपॉर्चुनिटीज कहाँ से लाएगा? अब आप ये देखिए, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ऐसे टाइप क्वेश्चंस, इनमें हम कैसे आउट ऑफ, इतने आउट ऑफ दे देते हैं। यानी हम ऐसे को, ऐसे कौन से आधार पे मापते हैं, वो कौन से क्राइटेरिया होते हैं जिसके आधार पे हम उसको कह देते हैं कि 15 में 15 नंबर मिल गए। बच्चे की क्रिएटिविटी को हमने असेस नहीं किया। अब ब्लूम की टैक्सोनॉमी में आप जाइए और सबसे जो लास्ट के स्टेप है, क्रिएटिविटी, करेक्टराइजेशन, नेचुरलाइजेशन, इन तक हम टच नहीं कर रहे हैं अगर हम इस तरह से रिजल्ट दे रहे हैं तो। कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन ये नहीं है, हमें इसीलिए इसको एडॉप्ट करना है, इसमें मॉडिफिकेशन करना है अपने सिस्टम में। दूसरा केस देखिए, देयर आर टू स्टूडेंट्स ए एंड बी, ए गेट्स 40 मार्क्स एंड बी गेट्स 80 मार्क्स। अब ऐसा रिजल्ट आता है तो ये रिजल्ट हमें ऐसा मिसकंसेप्शन देता है कि बी हैज डबल एबिलिटी और डबल नॉलेज इन कंपैरिजन टू ए। क्या नंबर के आधार पर, आपने मेजरमेंट भी पढ़ाई वाली, क्या हम ये मिस इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे हैं बच्चों के बारे में कि जिसने 80 नंबर प्राप्त किए हैं और जिस बच्चे ने 40 नंबर प्राप्त किए हैं, 80 नंबर वाले बच्चे को 40 नंबर वाले बच्चे की तुलना में दुगना ज्ञान है, है ना? तो ये भ्रामक रिजल्ट हमारे लिए होते हैं, गलत इंटरप्रिटेशन हम बच्चों के बारे में कर लेते हैं और इसीलिए बच्चों के बारे में गलत धारणा बना लेते हैं, उनके बारे में लेबलिंग करते हैं। नेक्स्ट तीसरा केस आप देखिए, देयर आर थ्री स्टूडेंट्स एक्स वाई जेड, एक्स गेट्स 50 मार्क्स, वाई गेट्स 52 मार्क्स एंड जेड गेट्स 54 मार्क्स। हियर मिसकंसेप्शन इज दैट द डिफरेंस इन द एबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द एबिलिटी ऑफ Y and Z. जिस बच्चे को 50 नंबर मिले और जिसको 52 नंबर मिले, उन दोनों में योग्यता में जो अंतर है या किसी विषय के ज्ञान में जो अंतर है, वही अंतर 52 और 54 नंबर पाने वाले में है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। हो सकता है कि 52 और 54 के ज्ञान में बहुत ज्यादा अंतर हो और 50 और 52 वाले के ज्ञान में कम अंतर हो। तो इस तरह की गलत इंटरप्रिटेशन जो हमारे रिजल्ट्स आजकल दे रहे हैं, उनसे बचने के लिए हमें कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन अडॉप्ट करना चाहिए। केस हो रहा है, देयर आर टू स्टूडेंट्स पी एंड क्यू, पी गेट्स 45 मार्क्स एंड क्यू गेट्स 50 मार्क्स। अब यहाँ पर मिसकंसेप्शन क्या रहा है कि क्यू नोज मोर देन और हैज मोर कैपेबिलिटी देन पी। ऐसा जिसके नंबर अधिक है उसको ज्यादा ज्ञान है और जिसके नंबर कम है उसको कम ज्ञान है, ऐसा नहीं होता। ऐसा जरूरी नहीं है कि हो, कम नंबर पाने वाले को ज्ञान भी कम हो उसी विषय का, ऐसा जरूरी नहीं होता। ये हमारे मेजरमेंट में या एकेडमिक अचीवमेंट के टूल में कमी होती है। चांस की बात है, हमने जो क्वेश्चन पूछे हैं क्यू को आते थे और पी को नहीं आती थी, इसलिए ऐसा रिजल्ट आया है। इसलिए भी हमें कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन अडॉप्ट करने की जरूरत है। अब आप सोचेंगे, बहुत देर से मैम ये टर्म ले रही है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन ये है क्या? डेफिनेशन इसकी देखिए, ये CBSE बोर्ड की साइट से हमने उठाई है। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट्स विच कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट। दो चीजें, इट इज अ स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन सिस्टम, ये आप समझ रहे हैं। आप सबके ऊपर ये जिम्मेदारी है अब स्कूलों में कि कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन भी आप अपनाएंगे। अब ये क्या है, विच कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स, यानी स्टूडेंट्स के सारे एस्पेक्ट्स को, इसको हम चाहे कॉग्निटिव, अफेक्टिव, फोनेटिव के टर्म्स में कहें,
चाहे हम करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज कहें, चाहे हम एकेडमिक को एकेडमिक एक्टिविटीज कहें, चाहे स्कॉलास्टिक को स्कॉलास्टिक एक्टिविटीज कहें, यानी इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना। जब हम स्टूडेंट्स के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं मूल्यांकन करते समय, तो दो बातें बहुत अच्छी होती हैं। ये स्टूडेंट फ्रेंडली बन जाता है, स्टूडेंट को डर नहीं लगता पास फेल होने का। स्टूडेंट फ्रेंडली इसलिए हो जाता है कि स्टूडेंट सोचता है पढ़ने में नहीं अच्छे हैं तो क्या और चीजें तो आती हैं, वहां पे उसको अप्रिशिएशन मिलता है, वहां उसको रिकॉग्निशन मिलता है। दूसरी बात है ये लर्नर सेंटर्ड बन जाता है जब हम सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, ठीक है। और फिर हम कह रहे हैं दिस कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट शब्द में आप देखिए, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस अपने आप में इन्वॉल्व है। डेवलपमेंट का सिनोनिम होता है मैच्योरिटी, यानी बच्चे मैच्योरिटी की तरफ बढ़ें तभी हम मानेंगे कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो इवेल्युएशन भी बच्चे में इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। डेवलपमेंट मीन्स क्वालिटेटिव चेंज इन द चाइल्ड, तो क्वालिटी पे फोकस है, केवल क्वांटिटी पे फोकस नहीं है। बच्चे के बिहेवियर में क्वालिटेटिव चेंज आना चाहिए। हमारा मूल्यांकन का तरीका ऐसा होना चाहिए कि बच्चे के पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चे के बिहेवियर में ज्ञान में क्वालिटेटिव चेंज आना चाहिए। क्वालिटेटिव चेंज से मतलब ये है कि मान लीजिए हम कह रहे हैं कि किसी बच्चे की वोकैबुलरी 10 शब्दों की थी, अब उसकी वोकैबुलरी 100 शब्दों की हो गई है, तो ये जो है ये क्वांटिटेटिव चेंज है, ये डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन उन 100 शब्दों की वोकैबुलरी के बाद अगर कोई बच्चा निबंध अच्छा लिख पाता है तो ये डेवलपमेंट है। यानी डेवलपमेंट को हम माप नहीं सकते, मेजरमेंट नहीं किया जा सकता डेवलपमेंट का, एक्सपीरियंस किया जा सकता, एक्सपीरियंस अनुभूत किया जा सकता है। जैसे टीचर्स अपने पुराने स्टूडेंट्स के साथ मिलते हैं, या सिक्स क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा होता है, टेंथ क्लास तक जाते जाते टीचर बच्चे से कहते हैं नाउ यू आर इम्प्रूविंग, यू आर मैच्योर एनफ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। यानी ये टर्म्स ये बता रहे हैं कि टीचर उस बच्चे में होने वाले डेवलपमेंट को महसूस कर पा रहा है, जिसको माप नहीं सकते, मापन जिसका नहीं कर सकते, दैट इज इवेल्युएशन। तो सीबीएसई बोर्ड के साइड से ये है डेफिनेशन, एंड बहुत रेलिवेंट डेफिनेशन है। कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड मींस कॉम्प्रिहेंसिव, एंड ऑफ स्टूडेंट्स डेवलप मींस कंटिन्यूअस। अब ये भी सीबीएसई बोर्ड की साइड से यहाँ पर याद ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन क्या है, इनको हम पढ़ रहे हैं। आप भी ध्यान से पढ़िए कि हमें किन शब्दों पे गौर करना है। फर्स्ट वन इज टू हेल्प डेवलप कॉग्निटिव साइकोमोटर एंड अफेक्टिव स्किल्स, तीनों डोमेन्स को ध्यान में रखना है, बार बार आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट टू ले एम्फेसिस ऑन थॉट प्रोसेस एंड डी एम्फेसाइज मेमोराइजेशन, मेमोरी कंपैरेटिवली लोअर मेंटल एक्टिविटी है एंड थिंकिंग कंपैरेटिवली हायर मेंटल एक्टिविटी है। तो इवेल्युएशन हमारा ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को लोअर मेंटल एबिलिटी से हायर मेंटल एबिलिटी की तरफ ले जाए, यानी मेमोरी हमको डी एम्फेसाइज करनी है और उसकी थिंकिंग प्रोसेस की तरफ फोकस करना, यानी हमारे क्वेश्चंस इवेल्युएशन में ऐसे होने चाहिए जो थॉट प्रोवोकिंग हो, टू मेक इवेल्युएशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि इवेल्युएशन जो है इट इज नॉट एन एंड, इट इज अ पार्ट ऑफ अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इट इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। उसके बाद हम डायग्नोज करते हैं और फिर से रिमीडियल टीचिंग करते हैं। नेक्स्ट टू यूज इवेल्युएशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट एंड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलर डायग्नोसिस फॉलोड बाय रेमिडियल इंस्ट्रक्शन। इस ऑब्जेक्टिव में आप चार शब्दों पर ध्यान दीजिए, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट, इवेल्युएशन ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को आपस में कंपेयर नहीं करेगा, बच्चे की परफॉर्मेंस को उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस से कंपेयर करना है, और हमें रोज देखना है कि बच्चे के इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज, यानी टीचर को भी ये सबक सिखाता है कि जो टीचिंग स्ट्रेटजी वो अडॉप्ट कर रहा है कहीं उसमें तो कोई फॉल्ट नहीं है, कौन से टॉपिक को कौन सी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी से कवर करना है। नेक्स्ट डायग्नोसिस
एंड रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, ये इंटीग्रल पार्ट है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के. नेक्स्ट वन, टू यूज इवैल्यूएशन एज अ क्वालिटी कंट्रोल डिवाइस टू मेंटेन डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस. क्वालिटी कंट्रोल डिवाइस यानी बच्चे में अगर लगातार इम्प्रूवमेंट लाना है, जैसे कहा गया कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग 80% ऑफ स्टूडेंट्स शुड नो द 80% ऑफ द कोर्स, दैट इज अ क्वालिटी कंट्रोल डिवाइस. यानी बच्चों को कम आता है, 50% आता है, लेकिन धीरे धीरे हम उनको 80% की तरफ इवैल्यूएशन के माध्यम से ले जा सकते हैं. दैट इज व्हाई कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज अ क्वालिटी कंट्रोल डिवाइस. लास्ट वन इज टू मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग अ लर्नर सेंटर्ड. बार बार बताया जा रहा है कि बच्चों को आपस में कंपेयर नहीं करना है, हर बच्चे को उसके प्रीवियस जो मार्क्स हैं, प्रीवियस परफॉर्मेंस से कंपेयर करना है. यानी हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी उसकी है, उसकी कुछ सब्जेक्टिविटी है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें इवैल्यूएशन करना चाहिए. नाउ लास्ट वन इज पॉइंट्स टू रिमेम्बर. हम ये बार बार कह रहे हैं, ये मान के चलिए कुछ ना कुछ हम लोग कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इस्तेमाल कर रहे हैं. गवर्नमेंट का काम होता है पॉलिसी बनाना और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड लेवल पे, वो हम टीचर्स का काम होता है. हम जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का प्रयोग कर रहे हैं वो बड़ा मैकेनिकल है. अब इनमें से कुछ पॉइंट्स मैं लाई हूँ कि अगर ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे तो हम कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की स्पिरिट पे जा पाएंगे. पहला बात है, डायग्नोसिस एंड रेमेडियल टीचिंग शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ एवरी टीचर. हर टीचर ये समझ ले कि केवल पढ़ा के एग्जाम लेके पास कर बच्चों को नहीं करना है, बच्चों की जो कॉपी होती है उसमें डायग्नोस करना है. आपको एक बात ये पता होनी चाहिए, जो अचीवमेंट टेस्ट होता है वो अपने आप में डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होता है. अचीवमेंट टेस्ट को अगर हम लोग बिना टाइम लिमिट के इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने आप में डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाता है. तो वो हमें इस्तेमाल करना है और फिर हमें रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करनी है. नेक्स्ट, हैव फेथ ऑन द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स. सबसे बड़ी बात है कि हम टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स अपना मन बनाए हुए हैं कि ये बच्चा तो ऐसा ही है, स्टूडेंट ऐसा ही है, ये इम्प्रूव ही नहीं हो सकता, इसके साथ कितनी भी मेहनत कर लो खुद तो कुछ करता ही नहीं है, हम क्या कर सकते हैं इसके सारे. एक बार एक जगह मैं लेक्चर ले रही थी तो एक इंटर कॉलेज के टीचर साइंस के, वो बोले मैम आपको पता है मेरी क्लास के 70% बच्चे बिल्कुल पैदल हैं. इस लाइन का मतलब समझे कि 70% बच्चों को पर उनको कोई भी फेथ नहीं है. तो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन तो तब हम इस्तेमाल कर पाएंगे जब हम ये मानेंगे कि वो स्टूडेंट है, स्कूल ने एडमिशन लिया है, आ रहा है, सारी एबिलिटीज उसमें है, तभी तो स्कूल में है वो, और उसकी उस एबिलिटीज को हम एक्सप्लॉयट कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको उजागर कर सकते हैं. तो हैव फेथ ऑन द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, तब हम कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का इस्तेमाल करेंगे. नेक्स्ट, अडॉप्ट चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग स्ट्रेटजी. चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है कि फोकस शुड बी ऑन द फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी ऑन द लर्नर. लर्नर शुड नॉट बी पैसिव. बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रखना है. ऐसी लर्निंग स्ट्रेटजीज हमें अडॉप्ट करनी, लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इन सब के माध्यम से बच्चे स्वयं से सीखते हैं, टीचर नहीं सिखा पाता. ठीक है, ऐसी स्ट्रेटजीज हमें अडॉप्ट करनी है. फोकस ऑन अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ द लर्नर अलोंग विद द कॉग्निटिव वन. नेक्स्ट, डू नॉट इवेल्युएट विच इज नॉट टॉट. सबसे बड़ी बात है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में. एक किस्सा आपको बताते हैं कि एक स्कूल में डिसिप्लिन के नाम पे कहा गया कि हर बच्चे को, लड़कियां जो हैं और बड़े बाल रखे हैं उनको चोटी बना के आनी है. तो एक लड़की थी, वो एक दिन चोटी नहीं बना के आ पाई, केवल रबर बैंड लगाया ही. उसकी माँ उसकी चोटी बनाती थी और माँ को सुबह टाइम नहीं मिला. स्कूल में मॉर्निंग असेंबली में चोटी चेक की गई तो उसके रबर बैंड लगा था.
टीचर्स इतना नाराज हो गए, प्रिंसिपल बोले ये बड़ा इनडिसिप्लिन एक्शन है, और बुलाया और उसको कैची लेके उसके बाल काट दिए। ये कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है। जितनी देर में टीचर ने बाल काटे थे उतनी देर में तो उसको चोटी बनाना सिखा सकती थी। तो जो चीज हम नहीं सिखा रहे हैं उसको इवैल्यूएट हमें नहीं करना है। ये एकेडमिक अचीवमेंट का फंडा है कि हमें वही चीज इवैल्यूएट करनी है जो हमने क्लास में बच्चे को पढ़ाई हो। नेक्स्ट, डोंट यूज नेगेटिव टर्म्स इन इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स। इवैल्यूएशन पॉजिटिव कनोटेशन रखता है तो इसमें नेगेटिव टर्म्स का कोई महत्व नहीं है, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। और लास्ट वन इज रेस्पेक्ट द सब्जेक्टिविटी ऑफ द लर्नर। सब्जेक्टिविटी बार बार हम बता रहे हैं कि बच्चे के पर्सनल एक्सपीरियंसेस, पर्सनल फीलिंग, वो क्या सोचता है, ये इसको कंसिडर करना इवैल्यूएशन में बहुत जरूरी है। उसकी व्यक्तिगत भावनाओं की कद्र हमें करनी चाहिए, तब हम उस बच्चे को इवैल्यूएशन, तब हम कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कर रहे हैं और हम उसका प्रयोग भी कर रहे हैं और हम बच्चे को सुधार सकते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन लेना है? अच्छा, कोई रिएक्शन बच्चों का आया क्या? दिखा दो चलो, हो सकता है कुछ बच्चे मेरे भी हों, लेकिन सर मेरा ये टॉपिक नहीं था, लेकिन उन्होंने अजय सर माने नहीं। क्वेश्चन भी उसी में पूछो। तो मैम मेरा क्वेश्चन है, आपने ये जो डाल्टन प्लान बताया है कि क्लासरूम में ही लैब्स होना चाहिए और लैब्स में ही सब्जेक्ट का लैब होना चाहिए जिसमें डिफरेंट क्लास के बच्चे जा सकते हैं, तो जो मल्टी ग्रेड टीचिंग की बात आजकल हम कर रहे हैं, तो इसका कंसेप्ट इसमें हमें दिखता है नहीं दिखता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर जो है वो अंतर ये, हम ये नहीं कह रहे कि होना चाहिए, हम कह रहे हैं डाल्टन प्लान एक था जो एक ऐसा सिस्टम था कभी, अब वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये तो पॉलिसी मेकर्स जानेंगे। और मल्टी ग्रेड में हम जो टीचर्स कम होते हैं, जब टीचर्स कम होते हैं तो एक टीचर को दो या तीन क्लास के बच्चे, जैसे हमने कहा कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड के बच्चे एक साथ बैठ जाएंगे और फोर्थ फिफ्थ के बच्चे एक साथ बैठ जाएंगे, और वो सारे सब्जेक्ट्स को हम मल्टी ग्रेड इस तरह से करते हैं कि सब्जेक्ट टीचर वाइज अगर हम करें, यानी हम ये कहें कि इंग्लिश की टीचर है तो उसके पास सारे क्लास के इंग्लिश के बच्चे होंगे और हिंदी की टीचर है तो उसके पास सारे क्लास के हिंदी के बच्चे होंगे, तब हम कहेंगे कि हाँ हम मल्टी ग्रेड प्लस डाल्टन प्लान को इनकॉर्पोरेट कर पाए, हमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक होना पड़े। हाँ, सब्जेक्ट टीचर स्पेसिफिक है ना, तब हम ये कह सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स देना क्या सही है इंडिया में,
एजुकेशन सिस्टम को एनसीईआरटी ही मैनेज कर रही है। कर रही है। ऐसा होता है कि इनका इस प्रश्न का हम उत्तर इस तरह से देना चाहेंगे कि इवैल्यूएशन एक होता है, हम कहते हैं कि हमारे मूल्यांकन की प्रक्रिया में ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नहीं, अब शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी होती है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन इज फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायसेस ऑफ द इवैल्यूएटर, और सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन इज वेरी मच अफेक्टेड बाय द पर्सनल बायसेस ऑफ द इवैल्यूएटर। जैसे ऐसे है, बच्चे ने लिखा तो किसी टीचर का, कोई टीचर हैंडराइटिंग पे बच्चे की चला गया, किसी ने पेज गिनकर नंबर दे दिए, है ना, किसी ने मैटर को पढ़ा, देखा, ध्यान दिया और उस पे नंबर दिए। तो ये जो एग्जामिनर टू एग्जामिनर वेरिएशन होता है, इस वेरिएशन को कम करने के लिए और ऑब्जेक्टिविटी को ज्यादा एम्फसाइज करने के लिए एनसीईआरटी ने ऐसा किया है कि प्रोसेस में ऑब्जेक्टिविटी बनी रहे, और इसलिए वो ऐसे का एक क्राइटेरियन ऐसे दे देते हैं, यानी पॉइंट्स दे देते हैं कि ये पॉइंट्स अगर बच्चे ने इस ऐसे में लिखे हैं तो इस बच्चे को पूरे में पूरे मार्क्स दे दिए जा सकते हैं। इवैल्यूएशन का ये तरीका अडॉप्ट किया जा रहा है, लेकिन ट्रू सेंस में कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन अगर हमें इस्तेमाल करना है तो पूरे में पूरे नंबर नहीं देने चाहिए, नहीं देने। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे हम कहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में तो हम पूरे में पूरे नंबर दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी रखने चाहिए बच्चे की इमेजिनेशन, बच्चे की क्रिएटिविटी, इन सबको असेस करने के लिए, और उसमें पूरे में पूरे नंबर नहीं देने चाहिए। ये सब एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स के प्रोसेस में आता रहता है। एनसीईआरटी ने आज ऐसे मैनेज किया तो हमेशा नहीं करेगी, आगे इम्प्रूव भी करेगी, चेंज भी आएगा। जरूरी नहीं है कि जो सिस्टम हम आज अडॉप्ट कर रहे हैं, सीबीएसई में कितने चेंजेस आए, लगातार चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको चेंज भी करेगी। वाराणसी से नरसिंह मौर्य का क्वेश्चन है। नरसिंह मौर्य, आज दुनिया भर के विद्वान जिस इवैल्यूएशन की कमियों को गिना में कमियों को गिनाने में लगे हैं, उसी सिस्टम को इवैल्यूएशन से अभी अभी ओलंपिक में मेडल से लेकर आईएएस पीसीएस प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है। बड़ा वेग सा क्वेश्चन है, पता नहीं ये क्या चाह रहे। चंदौली से राजश्री सिंह ने सीसीई पर जो कुछ डिमेरिट है, सीसी स्टूडेंट अब फेल होने, फेल नहीं के सिर्फ और कंपटीशन भी खत्म कर देता है, इसे स्टूडेंट अच्छे से नहीं पढ़ते। सीसीई से इनका कह रहा है कि कंपटीशन की फीलिंग बच्चों में खत्म हो जाती है जी। तो कंपटीशन तो एक निगेटिव कनोटेशन है, कंपटीशन तो खत्म होना भी चाहिए, है ना, इसीलिए कहा जा रहा है कि बच्चे अपने से कंपेयर करें। कंपटीशन क्यों करें दूसरे, कंपटीशन का मतलब है कि हम दूसरे छात्र के बारे में, अपनी कलीग के बारे में निगेटिव एटीट्यूड रखते हैं। जब हम कंपटीशन की फीलिंग में आते हैं तो हम अपने ही कलीग के बारे में निगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो ऐसा तो सिस्टम में नहीं होना चाहिए। तो ठीक है अगर कंपटीशन को खत्म कर रहा है, हमें पॉजिटिव होके चलना है, हमें अपने को सुधारना है, दूसरे से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, दूसरा भी नौकरी पास है, हम भी नौकरी पास है ना, वो तो जो काबिल है वो नौकरी पाएगा। कंपटीशन की फीलिंग बहुत अनहेल्दी कंपटीशन तो नहीं होना चाहिए। अब मेजरमेंट स्केल्स आप पढ़े हुए हैं, जो आप ऑर्डिनल और नॉमिनल, ऑर्डिनल इंटरवल और रेशियो स्केल्स के बारे में पढ़े हुए हैं, अब ये तो अलग टॉपिक हो गया, पूरा एक अलग हो गया। मुरादाबाद से कौन है? मुरादाबाद से सोनू, बरेली से जीति मोहर, हमीरपुर से रक्षित मैम, एंड प्लीज शेयर योर स्लाइड विद अस। लार्ज स्केल इवैल्यूएशन और सीसीई में डिफरेंस क्या होता है? लार्ज स्केल इवैल्यूएशन क्या होता है? लार्ज स्केल इवैल्यूएशन तो कौन होता है? स्केलिंग तो अपने आप में मेजरमेंट में की जाती है, अच्छा कोई एक कंसेप्ट, वो कोई
अच्छा लार्ज, अच्छा सर्वे को कह रहे हैं। Discontinuous and comprehensive education further modified to enhance the efficiency of education. Efficacy शब्द का इस्तेमाल गलत, इसमें क्या चले वो अलग बात है। Efficacy जो होती है वो individual की characteristic होती है कि we are able to do the work, है ना। अमित कुमार यादव बहुत सारे हम कह रहे हैं बच्चे हमारे ही होंगे। आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, अभी भी नहीं आ रही है। मैम सीसी सीबीएसई में लागू तो है। एक चीज हमने लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे, एक हमने रिसर्च कराई थी और उसमें सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड, इन तीनों बोर्ड के सीसीई सिस्टम को कंपेयर किया था और उसमें ये हमने पाया कि सीबीएसई बोर्ड का सबसे इफेक्टिव कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन सिस्टम है, उसके बाद आईसीएसई बोर्ड का, और सबसे जो सिस्टम उसके बाद जो है थर्ड प्लेस पे यूपी बोर्ड वालों का है, क्योंकि यूपी बोर्ड की मार्कशीट में अभी भी हम देख रहे हैं कि वो एक्सटर्नल और इंटरनल मार्क्स हैं, एक तरह से इंटरनल के प्रैक्टिकल कह रहे हैं वो, थ्योरी और प्रैक्टिकल मार्क्स कह रहे हैं, थ्योरी मार्क्स जो कह रहे हैं एक्सटर्नल एग्जाम के बेसिस पे और प्रैक्टिकल जो भी इंटरनल दे रहे हैं, तो शायद वो वन टाइम इवेल्युएशन होता है, प्रैक्टिकल कंटिन्यूअस नहीं होता, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को वो कवर नहीं करते। क्या करे, टुडे इन द नेम ऑफ डिसिप्लिन वी यूजुअली पनिश द स्टूडेंट व्हेन ही इज नॉट अवॉइड, नोट लिख दिया है, नॉट अवॉइडिंग बाय द रूल्स फॉर्म्ड पर्टिकुलरली फॉर दैट इंस्टीट्यूशन व्हिच आल्सो कम्स अंडर सीसीई, इट्स ऑसम, बिल्कुल ट्रू। किसी बच्चे का मूल्यांकन विषयवार कितना सही होता है, जैसे यदि कोई बच्चा फिजिक्स और केमिस्ट्री में कम नंबर आता है लेकिन इतिहास भूगोल साहित्य में, इसका बता दूं, पुनर्वरण वर्ण की आवश्यकता है। जो अम्बालिका हैं इनका मैं बताना चाहूंगी कि अगर मनोविज्ञान के हिसाब से देखा जाए और इंटेलिजेंस के हिसाब से देखा जाए तो जो इंटेलिजेंस की थ्योरी है वो ये कहती है कि अगर कोई बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री में, किसमें इस कह रही अच्छे नंबर आए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में कम नंबर लाता है और हिस्ट्री ज्योग्राफी में अच्छे नंबर लाता है, तो इसमें बच्चे की एबिलिटी में गड़बड़ी नहीं है। सारे टीचर ये समझ लें, अगर बच्चा एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ला सकता है तो वो दूसरे सब्जेक्ट्स में भी अच्छे नंबर ला सकता है, उसमें एबिलिटीज हैं। अब एबिलिटीज के अलावा और मेथड ऑफ टीचिंग, ट्यूशन, उसको गाइडेंस, उसका पर्सनल इंटरेस्ट, ये सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं जिसकी वजह से बच्चे के फिजिक्स और केमिस्ट्री में नंबर कम आते हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री या आजकल जैसे समाज में हो रहा है कि साइंस के बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और ह्यूमैनिटीज के बच्चे कम है, ऐसी ये सब धारणाएँ हैं, गलत धारणाएँ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल फिर से एक ट्रेंड चला है कि बच्चे अब ह्यूमैनिटीज की तरफ, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो साइंस के सब्जेक्ट्स को छोड़ के ह्यूमैनिटीज की तरफ बढ़े हैं, लॉ की तरफ बहुत बच्चे जा रहे हैं। तो बच्चे में पहली बात, एक बात आपको ये बता दें कि स्कूल कैंपस के अंदर अगर बच्चा है, स्टूडेंट है और स्कूल ने एडमिशन ले लिया है और साल दर साल उसको रखे हुए है तो वो बच्चा कैपेबल है, इसीलिए रखे हैं। जो इनकैपेबल बच्चा होगा उसको स्कूल वाले बाहर निकाल देंगे, उसको रखेंगे ही नहीं, मतलब इस तरह से समझ के चलिए। तो स्कूल के अंदर जो बच्चा, यानी उसको रखेंगे नहीं का मतलब है उस बच्चे को रेफर कर देंगे कहीं। अगर जो कैपेबल बच्चा नहीं होता, हम उसमें कोई भी
ड्रॉबैक्स फाइंड आउट करते हैं, इंटेलेक्चुअली कम है यानी मेंटली रिटार्डेड की तरफ है, स्लो लर्नर है और कोई स्पेशल कैटेगरी का बच्चा है, तो हम उसको नॉर्मल स्कूल में रखते ही नहीं, हम उसको रिफर कर देते हैं। तो एक तो टीचर्स ये मान के चले कि उनके कैंपस के अंदर जो भी बच्चा आ रहा है, चाहे वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, नंबर कम आ रहे हैं, तो ये इस बात का इंडिकेटर नहीं है कि बच्चे कैपेबल नहीं है। बच्चे कैपेबल नहीं है यानी हम कैपेबल हैं और हमें दूसरे एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना है कि क्यों इनके नंबर कम आ रहे हैं। यही तो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है कि हमें वो चीजें आइडेंटिफाई करनी है, डायग्नोज करनी है कि बच्चे के नंबर कम क्यों आ रहे हैं, जबकि इसमें काबिलियत है, ये कैपेबल है ना। तो जो बच्चा हमारे कभी कभी हम कह देते हैं इस बैकग्राउंड का है तो ये बच्चा सीख ही नहीं सकता, ये स्पेलिंग एरर्स बहुत करता है। दूसरी बात, मनोविज्ञान के आधार पर हम ये कहते हैं कि जो बच्चा गलतियां कर रहा है तो वो लर्निंग में एक स्टेप आगे बढ़ चुका है, गलतियों से ही सीखा जाता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कभी कोई गलती ना की हो और वो आगे बढ़ गया, उसका डेवलपमेंट हो गया, वो सीख गया हो, यानी रॉन्ग कंसेप्ट्स मिस्टेक्स ये बच्चे को आगे ले गए हैं। और हमें इवैल्यूएशन में यही तो देखना है, जैसे गणित है तो हमने देखा अरे बच्चे दशमलव वाले सवाल नहीं कर पा रहा है, तो फिर हमें रेमेडियल टीचिंग दे दी कि दशमलव वाले सवाल में उसको, यही तो डायग्नोसिस है, यानी रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो है, जो उसकी मिस्टेक्स है, वही तो हमें डायग्नोसिस में मदद करी है कि ज्यादातर बच्चों को ये चीजें नहीं आ रही और उस आधार पे हमें पढ़ाना है। तो कभी भी जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट बच्चों के हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, मिस्टेक्स हैं, उनको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज करना है, उसके आधार पे बच्चों को डिस्करेज नहीं करना है और बच्चे के बारे में गलत धारणा नहीं बनाना। ये जो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे मैंने ब्लूम की टैक्सोनॉमी ले ली, ये कह रहा है आप डिफाइन कर दीजिए, ये अपने आप में एक अलग लेक्चर है। ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो मैंने ली है, इसको ये डिफाइन करना, ये सब अपने आप में ये पूरा एक अलग एक घंटे का लेक्चर है ना, कि कैसे कॉम्प्रिहेंसिव बनाए, हर एक को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करें, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है ब्लूम की टैक्सोनॉमी का। वो कह रहे हैं मैम ये तो मैं ये बताना चाह रही कि ये कॉम्प्रिहेंसिव है इवैल्यूएशन, यू नो, ये करते हैं। अब बच्चे ये पूछ रहे, छोटी छोटी बात नहीं कि 500 में 498 नंबर दिए जा सकते हैं। फिर नंबरों पे एक बात मैं बता दूं इन लोगों को, आप लोग अगर मेरे को सुन पा रहे हैं तो ये सुनिए, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को अडॉप्ट करिए, नंबरों पे फोकस मत करिए, यही तो बता रहे हैं आपको। 490 बच्चे को मिले या 498 मिले एक बात है, दोनों बच्चे बराबर कैपेबल हैं। हो सकता है कि लाइफ में 490 वाला बच्चा ज्यादा सक्सेसफुल निकले। आपको मैंने जो लास्ट स्लाइड में दिखाए पॉइंट्स टू रिमेम्बर, उन पॉइंट्स को अपने करेक्टर का हिस्सा बना लीजिए और उनको अपने स्कूल में अप्लाई करिए, तो आप अपने आप में कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की तरफ बढ़ गए, समझ लीजिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपका दिखे या ना दिखे, वो लास्ट में, इसीलिए मैंने अलग से पॉइंट्स काटे कि प्रैक्टिकली क्या नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से हम पूरी तरह से कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को नंबर पे फोकस ना करें। नंबर से कहीं जीवन की सक्सेस डिसाइड नहीं होती, तो नंबर पे फोकस नहीं करना, इसीलिए तो ये कॉन्सेप्ट आया है कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। और इसकी हिस्ट्री ये कह रही है कि कोठारी कमीशन ने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया, मतलब रिकमेंड किया था, और उसके बाद से लगातार इसको इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है, लेकिन 1986 की पॉलिसी के बाद जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जब, तब इसको फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट कर दिया गया था कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को हमारे सिस्टम में तब इम्प्लीमेंट कर दिया था। लेकिन ये है कि इस सिस्टम में लगातार सुधार की आवश्यकता है। एक बड़ा प्रश्न ये भी होता है कि मार्कशीट में क्या क्या चीजें दिखाएं, क्या क्या ना दिखाएं, जैसे कुछ CBSE बोर्ड वाले हैं वो कुछ पर्सनालिटी करेक्टरिस्टिक्स पे बच्चे को रेटिंग देते हैं उनकी मार्कशीट में,
दिखाई देता है, बच्चे की अटेंडेंस है, बच्चे का डिसिप्लिन है, वो बहुत है, जैसे लीडरशिप क्वालिटी, कम्युनिकेशन, जो बेसिक स्किल्स होते हैं वो स्कूल में बच्चों के में डेवलप होनी चाहिए। आजकल कंप्यूटर लिटरेसी भी एक स्किल है, तो इन चीज़ों को ग्रेडिंग के रूप में या नंबर के रूप में बच्चे को की में दिखाना चाहिए। इवन मैं तो ये कहती हूँ कि जो नहीं दिखाते, मेरा अपना पर्सनल है कि मॉर्निंग असेंबली में बच्चे के पार्टिसिपेशन को भी मार्कशीट में दिखाना चाहिए। हमें अलग से जनरली हम ये सोचते हैं कि अगर हम कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इस्तेमाल करेंगे या कर रहे हैं, हम बहुत मैकेनिकल हो जाते हैं चीज़ों को इस्तेमाल करके। हम सोचते हैं कि इसके लिए हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। जो हमारा सिस्टम चल रहा है, स्कूल हम जाते हैं मॉर्निंग असेंबली से लेकर छुट्टी तक, हम बहुत सारा काम ऐसा करते हैं जो अनइवैल्यूएटेड रह जाता है। उन सबको हम इवैल्यूएशन के दायरे में ले आ रहे हैं। अगर तो वही कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हो गया, हम 26 जनवरी मनाते हैं, हम 15 अगस्त मनाते हैं, हम बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज करते हैं, एनुअल फंक्शन हर स्कूल में होता है, 14 नवंबर हर स्कूल में मनाया जाता है, है ना। हम कुछ सोच रहे कि डिबेट एक बार कराएंगे, एक बार ऐसे कॉम्पिटिशन कराएंगे, एक बार रंगोली प्रतियोगिता कराएंगे, डिबेट से मतलब कम्युनिकेशन स्किल, ऐसे राइटिंग से राइटिंग स्किल बच्चों की। तो जो चीजें हम साल भर में स्कूल में ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको हमें मार्कशीट में कैसे ले आना है, ये उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करनी, हम करते ही बस उनको हम मार्कशीट में किस तरह से हाईलाइट करें जिससे कि वो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। एक बच्चा, मुझे ये नहीं समझ आता कि बच्चे के नंबर पे टीचर इतना फोकस करती है, इसके साइंस में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, बताइए जिस बच्चे के नंबर नहीं आते, मैं तो देखती हूँ बच्चे ऑनेस्ट इतने होते हैं कि कुछ कहने के आते, तो मुझे बड़ा उन बच्चों को मैंने कहती हूँ कितना बच्चा ऑनेस्ट है, कम से कम हर बात बताता, तो इस एबिलिटी इसको हम क्यों नहीं फोकस करते, बच्चे को वैसे इस तरह से हम क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करते, बच्चा बड़ा ट्रस्टवर्दी है, इस तरह से क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करते। तो बस थोड़ा सा यही है कि ये सब चीजें गवर्नमेंट नहीं कर सकती, गवर्नमेंट तो पॉलिसी बना के दे देती है, ये चीजें जो करनी वो करनी टीचर्स को ही है, ग्राउंड लेवल पे तो हम टीचर्स ही इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना कि हम कंटिन्यू। और उसके लिए जो मैंने लास्ट वाली स्लाइड में जो पॉइंट्स दिखाए हैं, अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करोगे तो वो चीज़ें आपके करेक्टर का हिस्सा बन जाएंगी और आपको खुद में बड़ा सेटिस्फेक्शन लगेगा कि हम हाँ बच्चों का कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे वो मार्कशीट में हाईलाइट होती जाएंगी। ये तो चेंज प्रोसेस है ना, हम मेजरमेंट से इवेल्युएशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ट्रांजिशन फेज में कुछ ना कुछ तो डिफिकल्टीज, कॉम्प्लेक्सिटीज, कन्फ्यूजन्स होते ही हैं, वो कन्फ्यूजन्स अपने आप सॉर्ट आउट हो जाते हैं। मेन बात ये कि हमें टीचर एज अ टीचर हमें अपने अंदर चेंज लाना है। हाँ, क्या इन बिटवीन कहीं वो लाइन ब्लर होती है एक्वायर्ड और इनेट के बीच में, जैसे अगर हम ट्रस्टवर्दी हैं? नहीं, तो ट्रस्टवर्दी तो एक्वायर्ड एबिलिटी है, वो हम समाज में इंटरेक्शन करने से सीखते हैं। जैसे हम लोग जब छोटे थे, यानी जो एजेड पर्सन हैं हम लोग, जैसे वो 45 प्लस वाले सब लोग, तो हमारे बचपन में सिखाया जाता था कि ट्रस्ट करो, और सोशल एनवायरनमेंट ऐसा था, हमारी गलती पे हमारे मोहल्ले वाले हमारे पेरेंट्स होते थे, वो हमें डांट डपट सकते थे। आज एनवायरनमेंट चेंज हुई, आज हम बच्चे को सिखाते हैं ट्रस्ट मत करो, बेटा पार्क में खेलने जा रहा हो, किसी पे ट्रस्ट मत करना। तो ये सोशल एनवायरनमेंट, ये तो एक्वायर्ड ट्रीट है ट्रस्टवर्दीनेस, है ना। या हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीख जाते हैं कि हमें किसी ने धोखा दे दिया तो हमें लगता है नहीं ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, हम तो बहुत धोखा खा रहे हैं, तो ये एक्वायर्ड है, ये इननेट नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल ब्लर नहीं होती, मैंने तो कलर का एग्जाम्पल दिया था, जैसे कॉम्प्लेक्शन है तो कॉम्प्लेक्शन के आधार पर बच्चों को इवेल्युएट नहीं करना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्शन इननेट क्वालिटी है ना वो। हाँ नहीं, वो अब हाइट किसी की कम है
तो उसके आधार पे बच्चे को इवेलुएट करने से क्या फायदा है ना, जो एक्वायर्ड एबिलिटीज हैं, मैं कह रही हूँ मैंने दो बातों पे फोकस किया, जो पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं मतलब जो भी सिखा रहे हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स वैल्यू सिस्टम जो सिखा रहे हैं वो, और जो पढ़ा रहे हैं उनके आधार पर इवेल्युएट करना, जो हम पढ़ा नहीं रहे उसके आधार पर इवेल्युएशन नहीं होना। हम खुद ट्रस्टवर्दी नहीं है एज अ टीचर मान लीजिए, और हम बच्चे में ट्रस्टवर्दीनेस कहाँ से डेवलप कर सकते। एक एजुकेशन का सीधा फंडा है कि टीचर की जो लिमिट है, यानी टीचर को जितना था उसके बियॉन्ड टीचर अपने बच्चों को नहीं सिखा सकता, तो टीचर में जो चीजें नहीं है और ना इवेल्युएट कर सकता है उसके बियॉन्ड वाली चीजों से टीचर जेलस हो जाएगा, इवेल्युएट नहीं कर पाएगा अपने स्टूडेंट्स में अगर वो चीजें देखेगा तो, और जो टीचर में नहीं है। तो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन ब्रॉडर टर्म है, इसके जो सिनोनिम्स आजकल जैसे हम कहते हैं बिहेवियरिस्टिक और कंस्ट्रक्टिविस्टिक या होलिस्टिक अप्रोच, तो मेजरमेंट बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है और होलिस्टिक अप्रोच या कंस्ट्रक्टिविस्टिक अप्रोच जो है वो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो टीचर को अपना मेंटल होराइजन जो है वो बढ़ाना है, ब्रॉडर मतलब हम हमारे अंदर वो एबिलिटी नहीं है लेकिन हम दूसरे के पॉजिटिव एबिलिटीज को एक्सेप्ट कर पाए और अप्रिशिएट कर पाए, दैट इज ऑल्सो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है ना। तो इन एक जो एजुकेशन का जो सीधा सीधा कहा गया कि एजुकेशन के ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, पूरे वर्ल्ड वाइड ये कहा गया, तो ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी जब हम कह रहे हैं तो पर्सनालिटी में आप कभी भी देखिए हम एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स को नहीं लेते, मतलब अगर हम आपसे कहें कि आप अपनी दो अच्छाइयां बताइए दो बुराइयां, तो कभी आप ये नहीं कहोगे कि मैम हम बहुत सुंदर हैं, मैम मेरा रंग गोरा है। मैंने ये बहुत एक्सपेरिमेंट करके देखा, मैंने सालों साल मेरे इतने लेक्चर्स में किसी ने आज तक मुझको अपनी एक्सटर्नल अपीयरेंस के आधार पे अपनी करेक्टरिस्टिक नहीं बताई, हमेशा इंटरनल ब्यूटी के आधार पे करेक्टरिस्टिक्स बताई। तो व्हाट इज पर्सनालिटी, जो इंटरनल ब्यूटी है, जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं डीप, दैट इज पर्सनालिटी, और एजुकेशन का काम उन्हीं को मैनिफेस्ट करना है ना। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस वो क्षण भर के लिए, वो केवल एक बार में आपको इम्प्रेस करेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म्स में आप किसी भी इंडिविजुअल को उसके इंटरनल ट्रेट से, इंटरनल ब्यूटी से, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक से ही पहचानते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं, दैट इज द एजुकेशन, दैट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन, और उसी को हमें इवेल्युएट भी करना है एजुकेशन सिस्टम है। और एक बात कही जाती, कोई बच्चा कहाँ से उठा ये इम्पोर्टेंट है, हम पैदाइशी समय यहाँ पे थे और यहाँ से यहाँ आ गए, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बच्चा यहाँ था और यहाँ से यहाँ अभी भी उससे नीचे है लेकिन फिर भी बहुत बर्थ वाइल है, दैट इज इवेल्युएशन, उसकी बर्थ ज्यादा है, इसीलिए बच्चे को उसके प्रीवियस उससे कंपेयर करना है, दूसरों से कंपेयर नहीं। तो प्रैक्टिकली हम इस बात को समझ, थ्योरी तो बहुत है लेकिन प्रैक्टिकली इसमें क्या क्या चीजें आती हैं और उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, ये हम टीचर्स के लिए, डायट के लेक्चरर्स के लिए खासतौर से जरूरी है। क्यों, डायट के लेक्चरर्स या टीचर एजुकेटर्स जो हम लोग हैं, हम लोगों का दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि हम अपने बी एड के स्टूडेंट्स को, ट्रेनिंग्स को जैसा सिखाएंगे वही जो सी जो है वही ग्राउंड लेवल पे जाएंगे, जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम में देंगे वही तो वो नौकरी पाएंगे आगे और वही तो वो वहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहती हूँ कि अगर कंस्ट्रक्टिविस्टिक अप्रोच हमारे बीएड के स्टूडेंट ने नहीं सीखी है या उसका डिमॉन्स्ट्रेशन उसके सामने नहीं हुआ, तो हम वो अब स्कूल में नौकरी पाने के बाद उस अप्रोच को कैसे अप्लाई करेगा है ना। और फिर जो ग्राउंड लेवल पे जो चेंज आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, नहीं आ पाएगा, इसलिए हम टीचर एजुकेटर्स का ज्यादा रोल है। अगर हम कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, अपने ट्रेनीज को सिखा रहे हैं कि ऐसे इस्तेमाल की जाती है ऐसे, मैंने तो लेसन प्लान का एग्जांपल दिया ना कि लेसन प्लान में बस ऐसे ऐसे करो और लेसन प्लान कराते समय तो अपने आप आ जाएगा, उनकी ट्रेनिंग आ जाएगा, वो ट्रेनिंग आ जाएगा तब बोले क्लास में इम्प्लीमेंट करते हैं।
ये अभी भी शायद ऑन। तन्वी तन्वी